गाइस साइकिल में सामान लूट कर दिया और कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी है। फिलहाल तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। भाई ये जगह का नाम क्या है? फलीलाबाद। हाँ फिलहाल फलीलाबाद से निकल रहे और अभी जा रहे अयोध्या की तरफ। देखते हैं आज कितना डिस्टेंस कवर कर पाते। सो चलिए रूट पे मिलते। One hour later. फट गए भाई। एक्चुअली एकदम नीचे से साइकिल एक एक करके ऊपर लेके आया। ओ, भाई कैसा लग रहा है नीलेश भाई? भयंकर। नीचे से एक एक करके ऊपर लाया। साइकिल भी बहुत ज्यादा ही लूड है साइकिल में। पानी है क्या? लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस रहा भाई। चलो तो अभी हम हैं बुझैनी और लगभग हम लोगों ने 20 किलोमीटर साइकिल चलाया और सुबह से नाश्ता नहीं किया। सोचा चलो यहाँ से चाय पानी पी के निकलते। खा के निकलते। हाँ चलो खाते पीते और निकलते। आप त्रिपुरा कहाँ है जानते? अगरतला त्रिपुरा। अगरतला जाना क्योंकि अगरतला बहुत सुंदर जगह है। त्रिपुरा एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा बहुत ही सुंदर है। काफ़ी सारे लोग हैं जो जानता नहीं है त्रिपुरा का है, उनको मैं बताता हूँ कि मैं त्रिपुरा से हूँ। आप लोग भी त्रिपुरा में जाइए, त्रिपुरा लोग बहुत अच्छा है। ठीक है त्रिपुरा में जाइए और घूम के आइए। ठीक है गाइस अभी भी साइकिलिंग कर रहा हो, बस अभी बस्ती जा रहा हो। बस्ती टाइम भाई लोग मिल गया। वैसे आप कहा तो भैया आप तो रुका नहीं होगा ऐसे पूछ लिया था तो भाई ने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब किया है। थैंक यू सो मच भैया, भी देख लेना मेरे चैनल को। ठीक है चले गाइस आप लोग भी देखते रहो। और ये देखिए नीलेश भाई आगे जा रहे हैं। ठीक है सो चले चले भाई फिर मिलेंगे। गाइस बहुत ज़्यादा धूप है और अभी मैं और नीरज में साइकिलिंग कर रहा हूँ। साइकिल चलाने का मन नहीं कर रहा है फिर भी चला रहा हूँ क्योंकि यहाँ से बस्ती का डिस्टेंस है 14 किलोमीटर। 14 किलोमीटर बाद बस्ती मिल जाएगा। बस्ती एक्चुअली एक जगह का नाम है। ठीक है और अभी बस्ती जाऊँगा तो यहाँ पे जाकर रेस्ट करूँगा और फिर शाम को देखते निकल जाऊँगा। तो गाइस फिलहाल हम बस्ती में पहुँच गया और अभी टाइम हो रहा है 1:30। तो मतलब बहुत ज़्यादा धूल उड़ रहा है गाइस और धूप भी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा ही धूप है इसीलिए देखिए मास्क नहीं गमछा लगा के मैं बात कर रहा हूँ। अभी तक हम लोग बस्ती में हैं और यहाँ पे एक भैया से मिल गए। एक्चुअली नीलेश भाई का दोस्त है, भाई है। ठीक है यहाँ पे मिला तो भैया का नाम है अमन भैया। अमन भैया तो ये है हमारा अमन भैया। मतलब इधर उधर भाग रहा है कि पानी लेके आ रहा है, बिस्किट लेके आ रहे हैं। अभी तो क्या बोलते हैं ट्रैवल तुम कर रहे हो, मैं कर सकता हूँ। ठीक है मतलब इतना धूप है फिर भी अमन भाई इधर उधर मतलब भाग रहा है भाई। लेकिन आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम आपसे मिलके, हमारा अपने भाई से मिलके। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि प्लीज सपोर्टिंग अपने भाई लोगों को, क्योंकि ये जितनी भी मेहनत कर रहे हैं सब हम लोगों को एक तरीके से इंटरटेन कर रहे हैं, अपने मेहनत पे अपना काम कर रहे हैं, एक अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। तो अभी जिस लोकेशन पे आया मतलब इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा ठंडी ठंडी हवा चल रहा है तो इसलिए सोचा चलो यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करते। नीलेश भाई का यहाँ पे कुछ पुराना यादें जुड़े हैं तो इसलिए नीलेश भाई भी रुक गया है यहाँ पे। ठीक है मैं भी तो गाइस अभी रात का 9:46 हो रहा है और अभी मैं एंडिंग वीडियो शूट कर रहा हूँ। फिलहाल तो आज का जो स्टे
तो एक्चुअली भैया ने हमारा स्टे अरेंज करके दिया, तो थैंक यू सो मच भैया। ठीक है, आज भैया का साथ ही रहने वाला हूँ। वही मेरा मेन प्रॉब्लम है कि मैं वीडियो स्टार्ट कैसे करूँ और एंडिंग कैसे शूट करूँ, मेरे को समझ में नहीं आता है। ठीक है, और कुछ कुछ लोग मेरे को कमेंट करके बोलता है कि भाई तुम रोड का वीडियो मत दिखाओ, अपना कहानी बंद करो और जगह एक्सप्लोर करो। तो सबको मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, भाई देखो मैं साइकिल लेके टूर पे निकला, बाइक पे नहीं, और मेरा जान है गाइस, मेरा बॉडी का अंदर भी ब्लड है। ठीक है, और मैं डे में 100 किलोमीटर तो क्या मतलब 400-500 किलोमीटर डे में मैं कवर नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए मेरे को धीरे धीरे जाना पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए गाइस मुझे माफ़ करो और कुछ दिन वेट करो, बहुत जल्दी मैं केदारनाथ जाने वाला हूँ, बहुत ही जल्दी। अयोध्या में हूँ फिलहाल और एक महीने का अंदर तो केदारनाथ पहुँच ही जाऊँगा, आप लोग देखते रहो। कुछ दिन का बात ही है भाई, बहुत जल्दी केदारनाथ मिलूंगा, और लेकिन डेली ब्लॉग अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि डेली लाइफ में जो कुछ भी मैं करता हूँ सब कुछ आपके सामने शेयर करूँ। तो गाइस अभी हम लोग डिनर करके आया है रूम में, ठीक है, और अभी बस फ्रेश होके वीडियो एडिट करूँगा और फिर सो जाऊँगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही, आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, और बहुत जल्दी केदारनाथ पहुँच जाऊँगा गाइस, प्लीज़ आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि साइकिल लेके हम लोग निकले हैं भाई, जान से चलते हैं भाई, ये गाड़ी मतलब साइकिल मतलब बहुत मेहनत लगता है, और आप लोग प्लीज़ ऐसा मत करो, और कुछ दिन का ये बात है, बहुत जल्दी केदारनाथ पहुंच जाऊंगा, प्लीज़ गाइस। सो चलिए गाइस आज का वीडियो में इधर ख़त्म करता हूँ, और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।